हाय गाइस, वेलकम टू टेली शॉपिंग 24। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिंदल ट्रेलिंग एंड इंडस्ट्रीज कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, सारी चीज डिस्कस करेंगे और जानेंगे जो तेजी आज हमें देखने को मिली 14% के करीब की, उसका क्या है रीजन, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बात करें जिंदल ट्रेलिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी की, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें तकरीबन 14% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। फिलहाल जो कंपनी के शेयर कारोबार कर रहे हैं वो 684 रुपये के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। जो आज हमें इस लेवल की तेजी देखने को मिली है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के नतीजे। जी हाँ, जो कंपनी के क्वार्टर वन के नतीजे हैं वो ब्लॉकबस्टर आए हैं। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर वन के नतीजों को डिस्कस करते हैं। अगर हम कंपनी के क्वार्टर वन के नतीजे देखें, तो आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम क्वार्टर कंपेयर करें, तो जून 2023 में आप देखोगे जो कंपनी की सेल्स थी वो थी 94 करोड़ की, जो कि इस बार सीधा बढ़कर 171 करोड़ की हो गई है। अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो 12 करोड़ का था, जो कि सीधा सीधा बढ़कर 44 करोड़ का हो गया है। अगर हम कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नतीजे देखें, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे 198 करोड़ की सेल्स थी क्वार्टर फोर में, जो कि जून 2024 में 171 करोड़ की सेल। कहीं आप नेट प्रॉफिट में आओगे तो जो कंपनी को जो क्वार्टर फोर में 15 करोड़ का लॉस था, जो कि इस बार सीधा सीधा 44 करोड़ का प्रॉफिट है। भाई आप देखोगे ईपीएस माइनस में था, जो कि इस बार सीधा सीधा पॉजिटिव हो गया 15 रुपये 13 पैसे। कहीं ना कहीं जो कंपनी के नतीजे हैं ब्लॉकबस्टर आए हैं। अगर आप कंपनी का चार्ट देखोगे, आज हमें जिस हिसाब का वॉल्यूम देखने को मिला है, कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर किसी बड़े प्लेयर की एंट्री हुई है। आप देखोगे किस तरीके का वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम की ही बात करें तो हम NSE की वेबसाइट पर वो जाके डाटा चेक करते हैं आज कितने शेयर ट्रेड हुए हैं जिंदल ट्रेलिंग के, तो आज 19,39,000 शेयर ट्रेड हुए हैं जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज कंपनी के। तो आप इस स्टॉक को अपने रडार पर जरूर रखिए, अच्छा खासा अपसाइड और अच्छा खासा मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो कंपनी के क्वार्टर वन के नतीजे रहे हैं वो बेहतरीन रहे हैं, ब्लॉक बस्टर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज़ और, इस वीडियो में कोई भी बायर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। थैंक यू।